बेटा बहुत सारे अल्फाज आजकल हम इस्तेमाल करते हैं अपने इस्तलाहात समझाने के लिए कि जो कुरान और सुन्नत की इस्तलाहात नहीं है। जिस तरह नमाज का लफ्ज़ है, नमाज का लफ्ज़ भी कुरान का नहीं है, कुरान में तो सलात है। रोजा है, रोजा भी कोई लफ्ज़ नहीं है। खुदा का लफ्ज़ भी नहीं है। खुदा भी, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये फारसी के इस तहजीब की वजह से हमारे पास आए। मगर जो इश्क की इस्तलाह इस्तेमाल होती है अरबी जबान में, इश्क का लफ्ज़ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, मगर जब तसव्वुफ में, तरीकत में, मार्फत में, अल्लाह ताला से मोहब्बत में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उर्दू जबान में और फारसी जबान में, इसका मतलब इश्क हकीकी, यानी मोहब्बत, अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत। कुरान में जो आयत आती है अल्लज़ीन आमनु अशुद्द हुब्बुलिल्लाह, अशुद्द हुब्बा जो है शदीद मोहब्बत, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो इश्क इलाही है, इश्क रसूल है। और ये किसी हवाले से भी वल्गर नहीं, बल्कि एक बहुत ही शिद्दत के साथ, हिद्दत के साथ, मोहब्बत और ताल्लुक और प्यार के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को और अल्लाह से मोहब्बत को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लफ्ज़ फारसी कलाम में, उर्दू जबान में अल्लामा इकबाल ने कसरत से इस्तेमाल किया है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अकल महवे हैरत है लबे बाम अभी। तो ये इल्म और इश्क, अकल और इश्क, इनका जो फ़र्क बताया गया बेसिकली वही है बुनियादी तौर पर, कि जो इंसान का कल्ब, जो मोहब्बत होती है इंसान में, उसकी जो शदीद दर्जा है, आखिरी दर्जा, उर्दू और फारसी इस्तलाहात में इसको इश्क के लिए इस्तेमाल किया, मतलब शदीद अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से शदीद मोहब्बत को रखा। ये बात याद रखना, अदब रसूल और इश्क रसूल का तकाजा है कि अपने मुसलमानों का अदब करो, हुजूर की उम्मतियों का प्यार करो, उनका लिहाज करो, उनके साथ सख्तियां ना करो, नरमी करो, माफ करने वाले बनो, गिरफ्त करने वाले ना बनो, दरगुजर करने वाले बनो, बदला लेने वाले ना बनो। जो मामला आपने चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ करे, तुमको फिर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ भी वही मामला रखना पड़ेगा। अगर सख्तियां करोगे लोगों पे, शिद्दत करोगे, लोगों के हिसाब बड़े खींच खींच के लोगे, तो अल्लाह भी तुम पे सख्तियां करेगा, शिद्दत करेगा, हिसाब खींच के लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया, इसका मफहूम है कि जिस शख्स को नरमी अता नहीं की गई उसको कोई खैर नहीं अता की गई। नरमी का मामला रखना। मुसलमानों के बहुत मसलक, बहुत इख्तलाफात बन गए हैं, लेकिन जो चीज, जिस मरकज पे मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं वो अदब रसूल और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम मुसलमान यहां पर अदब से आके खामोश हो, और यही एक मरकज है उम्मत के अहिया का, मरकज भी यही है मुसलमानों के उरूज का, मरकज भी मुसलमानों को मुतहद करने का भी। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब पाकिस्तान की तकमील हमने करनी है, तो इस पाकिस्तान में जिस चीज़ को हमें आम करना है, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को जो चीज़ सिखानी है, वो अदब रसूल और इश्क रसूल है। इंशाल्लाह इस पर आइंदा भी बात करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें अदब रसूल और इश्क रसूल की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।